Once again, welcome class 7th in our online class. In our last class, we have discussed about nouns and their kinds. And we have already started exercise 3.1. Pick out the nouns in the following sentence, write and mark whether they are proper noun, common noun, collective noun, material noun or abstract noun. I have already done 11 sentences and picked their nouns kinds from there, and I have gave you rest sentence as an homework. So let's check. Number 12. Mr. Roy honored his accountant for his honesty. Mr. Roy, first noun here, Mr. Roy, proper noun. Second, accountant, it is common noun. And third, honesty, it is abstract noun. जिन्होंने किया है वो मैच करते रहें, और जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो की हेल्प से कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे. I bought a new table made of wood and glass. First noun here, table, it is a common noun. And second, wood and glass, both are material nouns. Number 14. Sakshi Narang, the school principal, entered the class of 30 students. First of all, Sakshi Narang is a proper noun here. Second, principal, it is a common noun. Third, class, it is a name of group, so it is a collective noun. And last, students, it is also common noun. Number 15. Our team has won the Royal Trophy. Our team, team a group ka name hoga, to ye ho gaya aapka collective noun. And number second, Royal Trophy, it is a proper noun. Number 16. Cruelty to animals is a sin. फर्स्ट है यहाँ पर क्यूरल्टी, इट इज एन एबस्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी टच और सीन, इट इज कॉल्ड एबस्ट्रैक्ट नाउन. सेकंड, एनिमल्स, कॉमन नाउन. एंड थर्ड इज सीन, सीन इज आल्सो एबस्ट्रैक्ट नाउन. हेयर कम टू नेक्स्ट पेज. ए लार्ज व्हेल पाउंस्ड अपॉन द सोल ऑफ फिश. लार्ज व्हेल, व्हेल तो वह सभी व्हेल्स ही कहलाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, कॉमन नाउन. एंड सोल ऑफ फिश, सोल इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ फिश, इट इज कलेक्टिव. सेकेंड एंड थर्ड, फिश कॉमन नाउन. नंबर 18. Prayers are held in the church every Sunday. Prayers, abstract noun, prarthna yani ke. Church, common noun, and Sunday, proper noun. इस तरह हमारी 3.1 complete हुई, जो आपको as an homework दिया गया था, आप सभी ने किया होगा. तो उसको match कर लें और अपने आप को check करें, आपने कितना correct किया है और कितना correct नहीं हुआ है. Now, exercise 3.2, choose the odd one out. क्या करना है यहाँ पे, जो एक डिफरेंट है उसको हमें चूज करना है, और जो बॉक्स सामने दिया गया है उसको फिल करना है. जैसे नील, आंट, शिवालिक और गुजरात. नील एक नदी का नाम है, शिवालिक एक पहाड़ी का नाम है, और गुजरात एक स्टेट का नाम है. आंट यहाँ पे डिफरेंट है, तो आंट को हम यहाँ पे बी फिल कर देंगे ऐसे. सेकेंड में वुड, ग्लास, पेन और प्लास्टिक. वुड, ग्लास, पेन और प्लास्टिक में ओड आउट देखना है क्या है. ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, मटेरियल पेन अलग है, डिफरेंट है, तो पेन को कर देंगे. मृदुला, हॉर्स, स्टूडेंट और रिवर. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉर्स, रिवर और स्टूडेंट, ये सभी नाउन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉमन नाउन हैं, और मृदुला क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए. बंच, थ्रेड, निडिल और क्लॉथ.
फोर्थ में यहाँ पे कलेक्टिव नाउन एक दिया हुआ है, बाकी सब प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे ए क्रेज विजडम, क्रेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट गार्डनर इज डिफरेंट हेयर सो गार्डनर। एलमुनियम सिल्वर लव कॉपर, ये सारे मटेरियल हो गए एलमुनियम सिल्वर और कॉपर, लव क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो लव यहाँ पे ऑड हुआ तो सी। इंडिया ब्राज़ील कंट्री और स्पेन, ये सब प्रॉपर नाउन हुए, कंट्री कॉमन नाउन हुआ तो यहाँ पे सी डिफरेंट हो गया। स्टोन ग्लास गोल्ड और स्टूल, स्टोन नंबर एट, स्टोन ग्लास गोल्ड ये सब मटेरियल के नाम हैं, अलग अलग मटेरियल हैं। स्टूल क्या है, स्टूल आपका कॉमन नाउन हुआ तो डी डिफरेंट हुआ यहाँ पे। इंटेलिजेंस फ्रीडम डिस्कवरी और टीचर, इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट, डिस्कवरी एब्स्ट्रैक्ट, टीचर कॉमन, तो डी। वुड डॉक्टर सोल्जर टेलर, ये कॉमन नाउन हुए, वुड डिफरेंट है तो ए यहाँ पे भर देंगे। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, ऑड यहाँ से फाइंड आउट किए, ऑड निकाले। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.3 सर्कल द ऑड वन एंड टेल इट्स काइंड्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए गए हैं, इनमें से हमें जो ऑड है जो डिफरेंट है अलग है उसको फाइंड आउट करना है और उसको सर्कल करके सामने लिख देना है, जैसे हार्ड बंडल पेयर ट्रीज ज्यूरी बैंड और लीटर। देखो हार्ड बंडल पेयर ज्यूरी बैंड ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के ग्रुप हैं, लीटर भी, लेकिन ट्री क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो ट्री यहाँ पे आपको सर्कल कर देना है और यहाँ पे उसका काइंड भी हमें बताना है कि किस प्रकार का है। तो ट्री किस प्रकार का हुआ, ट्री हुआ कॉमन नाउन का, और बाकी सारे क्या हैं यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन हैं। तो ट्री ओड वन हुआ और इसका काइंड हो गया कॉमन। नेक्स्ट बर्थ डेप्थ क्लास डिसीजन एंड जजमेंट, बर्थ डेप्थ क्लास डिसीजन जजमेंट, सेकंड में आपका क्या है डिफरेंट, सेकंड में आपका डिफरेंट है क्लास, क्लास और क्लास किस प्रकार का हुआ, क्लास हुआ आपका कलेक्टिव नाउन। तो आज आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है, इसमें से आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है और उसका काइंड बताना है कि वो किस प्रकार का है, ठीक है बेटे। एक्सरसाइज 3.4 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट नाउन्स, नाउन्स से हमें फिल करना है, जैसे देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इस तरह हमें फिल कर देना है। द गेव द पेशेंट एन इंजेक्शन, कौन देता है पेशेंट को इंजेक्शन, डॉक्टर, द डॉक्टर गेव द पेशेंट एन इंजेक्शन। कट्स द डायमंड, डायमंड्स कौन कट करता है, डायमंड्स कौन कट करता है, डायमंड कट्स डायमंड्स, डायमंड कट्स द डायमंड। तो आज के लिए आपका होमवर्क 3.3 एंड 3.4, 3.3 छोटी एक्सरसाइज है और 3.4 में लगभग 15 सेंटेंस है जिनको आपको कंप्लीट करना है नाउन की हेल्प से ही। नाउन जो आप फिल करेंगे वो सूटेबल होना चाहिए, सेंटेंस को सूट करना चाहिए बिल्कुल, ये चीज़ ध्यान रखना है। और साथ के साथ आपको लर्निंग वर्क अपना यूनिट वन के लिए भी प्रिपरेशन करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और यूनिट वन का प्रिपरेशन भी चल रही है। यूनिट वन में आपको बताया हुआ है सिलेबस आपका, फर्स्ट टू चैप्टर फ्रॉम योर फर्स्ट बुक एंड फर्स्ट टू चैप्टर फ्रॉम योर ब्रेविया बुक, ये दोनों चैप्टर्स आपको लर्न करने हैं अच्छी प्रकार से। तो ये आज आगे का काम भी बढ़ाएं और लर्निंग भी करते रहें। आज के लिए इतना ही, ओके एंड बाय स्टूडेंट।